हेलो डियर ऑडियंस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 303। और मैं आपको बताता चलूं, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपना मकसद अचीव कर लेंगे, क्योंकि जो आप काम करेंगे, जो सोचेंगे, वही आप बनते जाएंगे। चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़। डैट इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इंटरफेस? तो राइट वन इज़ पेंसिल वर्क। सेकेंड एम सी क्यूज है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा एम सी क्यूज है, कंट्रोल प्लस स्पेस इज कॉमनली यूज टू ओपन। तो ये जो की है हम इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। उसके बाद चौथा एम सी क्यूज है, एक्सप्रेस 0.286 एज अ परसेंटेज। तो इसका राइट आंसर था 28.6%। फिफ्थ एम सी क्यूज है, चूज़ द करेक्ट एनालॉजी, सिख डॉक्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, कार मैकेनिक। क्यों? कार जब ख़राब हो जाएगी आप मैकेनिक के पास जाएंगे, और जब बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास। छठा एम सी क्यूज है, हु वॉज द वॉइसरे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो ये लॉर्ड हार्डिंग टू जो था, ये वाइसराय ऑफ इंडिया था जब वर्ल्ड वार हो रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार वन फर्स्ट सॉरी वर्ल्ड वार वन हो रही थी। सेवन एम सी क्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन? डैट इज रिवर्स ओस्मोसिस। आठवें एम सी क्यूज है, टू इंसर्ट अ रो इन टेबल क्विकली इन MS वर्ड वन शुड प्रेस। तो इसका राइट ऑप्शन है टैब की। उसके बाद है जी नवा एम सी क्यूज, एडवांस डायलॉग बॉक्स इज द सेम एज। तो जो सर्च जिस तरह आप करते हैं जाके सर्च इंजन में, इसी तरह जो एडवांस डायलॉग बॉक्स है वो सर्च के तौर पे काम करता है। उसके बाद है हमारे पास इंग्लिश का एम सी क्यूज, आई लेफ्ट माई शूज़ अंडर द किचन टेबल। तो किचन यहाँ पे एडजेक्टिव है। उसके बाद हमारे पास है 11 एम सी क्यूज, वट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन MS वर्ड? तो वर्ल्ड फील्ड जो है, वर्ल्ड फील्ड उसको इंसर्ट किया जाता है एज अ MS, एज अ क्रॉस रेफरेंस MS वर्ड के अंदर। 12वें एम सी क्यूज है, अ स्विमर रिड्यूसिस फ्रिक्शन बिटवीन हिज बॉडी एंड वाटर टू स्ट्रीम लाइन हिज फ्लो। मतलब जब एक स्विमर स्विम कर रहा होता है तो वो जब अपनी पोजीशन स्ट्रीम लाइन की तरह करता है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन वाटर और उसके दरमियान कम हो जाती है। 13 एम सी क्यूज है, इन विच ईयर लेबनीज दोहा एग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड? तो इसका राइट ऑप्शन है 2008। 14 एम सी क्यूज है, वुहान द सिटी ऑफ चाइना वॉज ऑन लॉकडाउन फॉर हाउ मैनी डेज? तो इसका राइट आंसर है 76 डेज। उसके बाद हमारे पास है कॉल ऑन, इसका क्या मतलब है? तो पे अ विजिट टू समवन, इसको कॉल ऑन कहते हैं। 16 एम सी क्यूज है, विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट रिसेंटली डिजाइन द वर्ल्ड फर्स्ट इको फ्रेंडली एयरक्राफ्ट इंजन? तो वो हैं सारा कुरैशी। उसके बाद हमारे पास 17 एम सी क्यूज है, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अर्स्टवाइल फाटा बाई पॉपुलेशन? तो वो बेजोर एजेंसी है। उसके बाद 18 एम सी क्यूज है, वेन डिड इंडिया एनेक्स द स्टेट ऑफ जूनागढ़? तो ये फेबरी 1948 में इंडिया ने जूनागढ़ की जो स्टेट है उसको अपने कब्जे में ले लिया था। 19 एम सी क्यूज है, गांधी जिना टॉक्स टुक प्लेस इन बम्बे। 20 एम सी क्यूज है, मैथ का द वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइंग द इक्वेशन? तो इसका राइट आंसर 3 है। 21 एम सी क्यूज है, द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आर लोकेटेड इन दुबई, दुबई दुबई भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास है, विच इज द शॉर्टेस्ट की फॉर चेंजिंग केस इन MS वर्ड? तो शिफ्ट F3 आप दबाते हैं अगर आपने MS वर्ड के अंदर केस जो है उनको चेंज करना है। 23 एम सी क्यूज है, विच मेन्यू ग्रुप विल वी यूज इफ वी वॉन्ट टू एक्सचेंज द टाइप फेस ऑफ सिलेक्टिक टेक्स्ट? तो उसका राइट वन है फॉर्मेट। उसके बाद 24 एम सी क्यूज है,
Which country recently stopped its 12 million USD funding to World Wide Fund? तो यूनाइटेड स्टेट ने जो 12 मिलियन यूएसडी डॉलर वो देता था जहाँ पे फॉरेस्ट में आग लग जाती थी वो बंद कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास 25th MCQs है। When did UN Security Council impose sanction on Iran due to its nuclear program? तो इसका राइट आंसर दिसंबर 2006 है। 26th MCQs है। Truman Doctrine was announced on? तो February 6, 1947 के अंदर ट्रूमन डॉक्ट्राइन को अनाउंस किया गया था। नॉर्थ कोरिया कट ऑफ इट्स हॉट लाइन विद विच नेशन इन June 2020? तो साउथ कोरिया से उसने अपनी हॉट लाइन जो है वो कट कर ली थी। उसके बाद है ऑन द प्ली ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन US लेड फोर्सेज ऑफ UN इन्वेडेड इराक ऑन? तो इसका जो राइट आंसर है वो March 20, 2003 है। उसके बाद हमारे पास है 29 MCQs। इन हूज रजीम द फर्स्ट सेंसिस वाज कंडक्टेड इन इंडिया? तो ये जो लॉर्ड मायो थे इनकी मौजूदगी में पहले सेंसिस कंडक्ट हुए थे इंडिया के अंदर। 30 MCQs है। ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान 1965 में साइन हुआ था। 31 MCQs है। द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान इन 1839। 32 MCQs है। द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर यूनाइटेड स्टेट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद 33 MCQs है। द रेस्टिंग प्लेस ऑफ इमाम बुखारी रजी अल्लाह इज उज़्बेकिस्तान। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है। चाइना एक्सप्लोडेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब इन 1964। उसके बाद 35 MCQs है। कोरिया वाज डिवाइडेड इनटू नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इन 1948। 36 MCQs है। द रेंज ऑफ न्यूली टेस्टेड फतेह टू मिज़ाइल? तो जो अभी नाजरीन फतेह टू मिज़ाइल पाक आर्मी ने लॉन्च किया है वो 400 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। 37 MCQs है। देर इज़ नो न्यूट्रॉन इन एटम ऑफ हाइड्रोजन। 38 MCQs है। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय मेनिनजाइटिस? तो वो ब्रेन है। उसके बाद हमारे पास सिनोनिम ऑफ ओपुलेंस वेल्थ है। 40 MCQs है। सिनोनिम ऑफ मोरबिड तो इसका सिक है। सिनोनिम ऑफ ओप्रोब्रियम तो इसका सेंशोर है किसी को की सरजश करना। 42 MCQs है। वन हु इज़ फाउंड ऑफ सुपीरियर फूड एंड ड्रिंक्स उसे एपिक्योर कहते हैं। 43 MCQs है। द साइंस ऑफ ह्यूमन रेसिस इज टर्म्ड एज एथनोलॉजी। उसके बाद हमारे पास चूज द करेक्ट एनोलॉजी मिल्क क्रीम से है तो क्ले जो है वो पोइट्री से उसकी एनोलॉजी होगी। 45 MCQs है। वट इज़ द pH ऑफ मिल्क? डेट इज 6.5। 46 MCQs है। द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द मिल्ट्री रिजीम ऑफ अयूब खान इन? तो डेट इज April 1959। 47 MCQs है। ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें हैरत जहालत की बेटी है। 48 MCQs है। बारिश की आवाज़ किसका शहरी मजमुआ है या तो वो शहरी मजमुआ है? डेट इज़ अमजद इस्लाम अमजद। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है जी सिफ्त और मसूफ मिलकर कौन सा मुरक्कब बनाते हैं? तो वो मुरक्कब तुसीफी बनाते हैं। लास्ट वन है टाएं टाएं फिश से क्या मुराद है? तो इसका मतलब है बेनतीजा। तो याद रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।